ज्यादातर लोग ब्रेड नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, यानी सुबह के वक्त। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि वो रात में भी ब्रेड खाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल आता है कि क्या रात में ब्रेड खाना फायदेमंद है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। ब्रेड हमारे घरों में नाश्ते का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। आपके पास समय नहीं है तब भी आप ब्रेड खा सकते हैं, या आपको कोई हेल्दी रेसिपी क्रिएट करनी है तब भी आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड को आप सैंडविच से लेकर पकौड़े तक में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात जब सेहत की हो रही है तो समझने वाली बात यह है कि आपको ब्रेड का सेवन कब करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि रात में ब्रेड खाना सही है या नहीं। तो आपको बता दें कि रात में ब्रेड खाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए कि ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है और इसमें एक बड़ा स्पाइक ला सकता है। इसके अलावा रात में ब्रेड खाना अपच की समस्या का कारण बन सकता है। इससे आपको एसिडिटी हो सकती है और आपकी डाइजेस्टिव समस्या बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इससे आपकी नींद भी प्रभावित हो सकती है और आप स्लीप एपनिया का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा रात में ब्रेड खाने के नुकसान भी हैं, जैसे कि रात में ब्रेड खाना डायबिटीज का कारण बन सकता है। रात में ब्रेड खाना आपका वजन बढ़ा सकता है। रात में ब्रेड खाकर सोना आपको कब्ज का शिकार बना सकता है। इसके अलावा अगर आपको पेट, लीवर और आंतों से जुड़ी बीमारी है तब भी आप रात में ब्रेड नहीं खाएं। तो आखिर ब्रेड खाने का सही समय क्या है? ब्रेड खाने का सही समय लंच है। दोपहर का खाना आपको दिन के दूसरे भाग के लिए एनर्जी देता है और ब्रेड खाना इस समय में आपके लिए मददगार हो सकता है। इसके अलावा दिन में ब्रेड खाने से आपको उतनी नींद भी नहीं आती जितना आपको दूसरी चीजों को खाने से आएगी। इसके अलावा ये आराम से पच जाएगा और आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। तो अब जान लीजिए कि किस तरह की ब्रेड खाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप साबुत अनाज का बना ब्रेड खा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं। ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।